लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था हेनरी फेयोल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया था, जिसको हम लोग जानते हैं हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर। फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर्स, इन्होंने क्या बनाया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बनाया इन्होंने? साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था स्टूडेंट्स, कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए काम में आती है। मैनेजमेंट वो भी करता है जो एक स्कूल गोइंग किड है, मैनेजमेंट वो भी करता है जो कॉलेज जा रहा है, मैनेजमेंट वो भी करता है जो जॉब करता है, मैनेजमेंट वो भी करता है जो बिजनेस करता है, मैनेजमेंट हमारे डेली लाइफ में भी काम में आता है। ये सारी बातें हम लोग ने 14 प्रिंसिपल में सीखा था मैनेजमेंट के। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एज इन साइंटिफिक कैसे काम करता है। बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर के बारे में। फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर 1856 में इनका जन्म हुआ था। 1856 इनके डेथ हुई है 1915 में। स्टूडेंट्स, पेशे से ये एक अमेरिकन सिटीजन थे। फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर वाज एन अमेरिकन, अमेरिका में ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए। बॉर्न एंड ब्रॉटअप होने के बाद इन्होंने अपना जब करियर चालू किया तो एज अ मशीनिस्ट। मशीनिस्ट मींस मशीन को बनाना, चलाना, ये सब में रिलेटेड विद इंजीनियरिंग प्रोसेस। अपने हार्ड वर्क से ये धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे मेहनत करते करते, प्रोग्रेस करते करते ये चीफ इंजीनियर बने। और चीफ इंजीनियर बनने के बाद धीरे धीरे और मेहनत किया इन्होंने, खुद का फर्म ओपन करने के लिए आइडियाज देने लगे। इन्होंने हेनरी फेयोल के बारे के 14 प्रिंसिपल को स्टडी करने के बाद इन्होंने ये देखा कि मैनेजमेंट सिर्फ डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल होने के बावजूद मैनेजमेंट में कुछ सोशल साइंस भी आता है। स्टूडेंट, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब, साइंस का मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके फॉर्मूलाज स्टडी करने। हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। साइंटिफिक मीन्स ये साइंस मतलब सोशल साइंस। इसमें फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इन्होंने ये देखा, ये समझा कि मैनेजमेंट को अगर एक साइंस की तरह स्टडी किया जाए तो मैनेजमेंट रिजल्ट और ज्यादा दे सकता है। अब व्हाई साइंस? बार बार साइंटिफिक क्यों? सर, हम तो कॉमर्स के हैं तो साइंस क्यों? साइंस का एक प्रोसेस होता है कि साइंस वाले कोई भी चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। साइंस में कोई भी चीजें होती हैं तो पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। व्हेन, हाउ, व्हाट, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, ये कितना दिन चलेगा, क्या चलेगा, उसके बाद जाके कोई भी चीज को साइंस एप्लीकेबल करता है, ठीक है। सेम यही चीज मैनेजमेंट में फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर ने बताया, ठीक है, कि अगर हम मैनेजमेंट को भी साइंस के प्रोसेस से स्टार्ट करें, ठीक है, कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा और कितना होगा, तो शायद हमें मैनेजमेंट में और अच्छा रिजल्ट मिले। इसीलिए इन्होंने बनाया साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर ने दिया। नाउ, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, साइंटिफिक मतलब यहां पे कौन से साइंस की बात हो रही है? सोशल साइंस की बात हो रही है। मैनेजमेंट को अगर साइंस के जैसा क्यों चलाना है? ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से देखना है, इसीलिए उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स देखोगे तो फ्रेडरिक वेनशॉ टेलर ने क्या लिखा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ
नोइंग, नोइंग मतलब जानना समझना, व्हाट यू, अब यहां पे यू मतलब मैनेजमेंट क्या चाहता है, वांट क्या चाहिए मैनेजमेंट को, मैन, मैन मतलब यहां पे एम्प्लॉइज, टू डू एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, कम से कम में अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बार और समझा दूं मैं स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है नोइंग व्हाट यू, यू मतलब यहां पे क्या है मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट के मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, इंचार्ज हो, जो भी मैनेजमेंट वांट्स, मैनेजमेंट को क्या चाहिए एक एम्प्लॉइज से, मैनेजमेंट को क्या चाहिए एक बिजनेस में, मैन टू डू क्या करने चाहिए हमारे एम्प्लॉइज कि हमारा भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो, टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग देखते रहना बार बार हमेशा उस प्रोसेस उस टारगेट को स्टडी करते रहना, इट जो भी आपका टारगेट है दैट दे डू इट, और जैसा हमने बताया वैसे ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो हमारा टारगेट कैसे अचीव होगा, और वो भी कैसे करने चाहिए एकदम बेस्ट अच्छे से अच्छे तरीके से और एकदम चीपेस्ट कम से कम सस्ते से सस्ते में, हमारा काम भी अच्छा हो जाए रिजल्ट भी बेस्ट आ जाए, ठीक है। बट स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉइज बेस्ट तरीके से काम करें चीपेस्ट तरीके से काम करें, मैनेजमेंट का एम्प्लॉइज के साथ एक साथ बना रहे, तो इसके लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी, साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। अब साइंटिफिकली स्टडीज मतलब कोई आपको केमिकल लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको अपने वर्क अपने टारगेट का एक एक चीज का एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस उस चीज को समझना है, उस चीज को जानना है, कौन करेगा वो चीज, कैसे कम से कम में वो चीज हो जाए, कम से कम टाइम लगे, कम खर्चे में हो जाए, इसी को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यही यहां पे फ्रेडरिक विंशॉ टेलर ने बताया जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका डेफिनेशन, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए और कैसे एम्प्लॉइज उसको बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से कर सके, इसके लिए फ्रेडरिक विंशॉ टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स कितने हैं, 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं, 6 प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक विंशॉ टेलर, तो इसको लिखेंगे फ्रेडरिक विंशॉ टेलर, ठीक है। इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, अब ये 6 प्रिंसिपल्स के पहले हेडिंग्स के मैं नाम ले लेता हूं। सबसे पहला है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड है हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है मेंटल रिवोल्यूशन। फोर्थ है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिफ्थ है डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वही पॉइंट है डिविजन ऑफ वर्क जो हम लोग ने हेनरी फेयर का फर्स्ट पॉइंट देखा। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, आगे बढ़ना। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नाउ साइंस के बारे में मैंने पहले बता दिया, साइंस मींस यहां पे कौन से साइंस की बात हो रही है, सोशल साइंस की बात हो रही है कि कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये लोग गलत नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 85% 90% तक इनके रूल सही होते हैं, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाने से या लॉस मेकिंग हो जाने से रूल ऑफ थंब काम नहीं करता है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने कभी जिसके डीप में हम गए नहीं, बोला जाता है ना अरे ऐसा हो रहा है इसीलिए, जैसे आप देखोगे कि एक आदमी अगर ऊपर खड़े रह के आसमान की तरफ देख रहा है तो कोई उससे पूछेगा नहीं कि क्या हो रहा है, वो बोल रहा है बस ऊपर देखो, तो बाकी के लोग भी आके ऊपर देखने लगते हैं। दूसरे से तीसरे से पूछा रहे यार तुम क्या तुम क्यों ऊपर देख रहे थे, तो बोला यार वो देख रहा था इसलिए मैं देख रहा था।
तो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नियम या फिर एक ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही है और लोग उसको मानते जा रहे हैं कि हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स रट्टा मारेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, चीजों को समझ के ना लेना, रट्टा मार लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की फिलॉसफी एक चिट बना के लेके जाना तो इसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब। लेकिन फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बोला, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हर जगह पे काम में आता है, बट कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो नई होती हैं, न्यू होती हैं, उन चीजों के लिए हम हमेशा कि नहीं नहीं हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले से ही ऐसे करते आ रहे हैं, ये नहीं चलता है। उसे हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है और फिर उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बोला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसमें मैनेजमेंट में फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने क्या बताया कि जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। पर्सनल जजमेंट इन द सेंस कि एक आदमी से पूछा ये काम करना है, उसने बोल दिया ऐसे ऐसे कर दो बस काम खत्म, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा पर्सनल जजमेंट आपका काम में नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैपेबिलिटीज कैसी है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बाद उसको कोई भी काम देना चाहिए। इसी को कहते हैं साइंस यहाँ पे, कि उसे आप स्टडी करो वो काम कैसा है, डेमो ले सकते हो, ट्रायल ले सकते हो आप, उसके बाद आप उसको काम दो। नॉट रूल ऑफ थंब कि आपने सोच लिया कि अरे ऐसा ऐसा है तो चलो ठीक है ये काम में आ जाएगा, ऐसे काम नहीं करना है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने ये बताया कि यही प्रिंसिपल जो है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज के टैलेंट, उसका परफॉर्मेंस ऑफ जॉब देख के आपको अप्लाई करना चाहिए, तो मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली होगा और मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज में प्रॉपरली रिलेशन रहेगा। अगर आप उसमें रूल ऑफ थंब अप्लाई कर दोगे तो शायद कहीं कहीं एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट में आपस में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो साइंस को स्टडी करो, एक एक चीज समझते देखते अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस उसकी कैपेबिलिटीज वैसे जाओ, रूल ऑफ थंब अप्लाई मत करो। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह करना, आपस में आर्ग्यूमेंट करना, नोक झोंक करना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने यह बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, एक दया भावना। दया मतलब आपको कोई ये नहीं करना है कि आपको पूरा पैसा ही उठा के उसको दे देना है, आपको भाई मैं चले जा रहा हूं कहीं सन्यासी बनने और तुम ही मालिक बन जाओ, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हार्मनी का मतलब होता है कि आप उसकी काम को समझें, आपने उसको वर्क दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटीज नॉलेज, तो जब आपने उसको कोई काम दिया हुआ है तो आपका उसके काम करने के बाद आपको उसके काम को समझना है। छोटी मोटी अगर गलतियां भी हो जाती हैं तो आपको उसको एडजस्ट करके लेना है। डिस्कॉर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से क्या होता है, बड़े बड़े मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप मैनेजमेंट के लोग अगर आर्ग्यूमेंट ही करते बैठेंगे तो फिर वो और प्लानिंग क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोई भी काम हो आपको क्या करना है, उसको हार्मनी से पीसफुली उसको समझाते हुए उसे अपना काम पूरा एडजस्ट भी करना है, मैनेजमेंट में आपस में आर्ग्यूमेंट भी ना हो, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम तीसरे पॉइंट पे, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब माइंड, आपको देखो मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो आपको एम्प्लॉइज का माइंड स्टडी करने आना चाहिए। लोग इंटरव्यू क्यों लेते हैं, बड़े बड़े आप कंपनीज में जाओगे, हायर रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, एचआर वाले लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है। कई कई जगह पे तो जैसे इंटरनेशनल वगैरह कॉल सेंटर में आप देखोगे तो इंटरव्यू प्रोसेस इतना डिफिकल्ट होता है कि बहुत ज्यादा जो बेचारे टैलेंटेड लोग हैं वो भी नहीं पास हो पाते। रीजन क्या होता है, ऐसे लोग जिनका माइंड आपको स्टडी करने आ गया तो उनके माइंड को स्टडी करने का मतलब क्या होता है, आप उनसे अपने हिसाब से अच्छे से काम करवा सकते हैं। आपको अगर एम्प्लॉइज का माइंड ही नहीं स्टडी हुआ, आपको मालूम नहीं किस बात से वो नाराज हो जा रहा है, किस बात से वो ज्यादा काम करके देगा, किस बात पे वो कम ही लेवल पे मुझे ज्यादा रिजल्ट निकाल के देगा, जब आप यही नहीं जानते
तो आप और उसका हमेशा क्या होगा, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट होते रहेगा। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेडरिक मिंशो टेलर ने क्या कहा, मेंटल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स न्यू चेंजेस। हमेशा आप ये देखते रहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो नए एम्प्लॉयज हैं वो तो न्यू है, तो उनका तो रिवोल्यूशन है, वो नई नई चीजों को सीखेंगे। जो ओल्ड एम्प्लॉयज है इसका मतलब ये नहीं कि वो तो ओल्ड है और वो जो है हमारी कंपनी में फिक्स है, अब तो ये कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हमें उनके बारे में भी ये सोचना है कि उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है, जैसे चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। ये देखिए कि एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, कहीं मैनेजमेंट या मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो जा रही जिससे एम्प्लॉयज जो है वो बेचारा चाहकर भी हमसे बात नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, और इसके वजह से जो है प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है या कम होती जा रही है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस है, फ्रेडरिक मिंशो टेलर ने क्या कहा कि कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, उसमें इक्वल इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा ये बोले कि मैं ही सब कुछ हूं तो नहीं होता है, बिना पेरेंट्स के तो आप ही नहीं आए हो, ठीक है। एक बच्चे को 95% मार्क्स मिला, उसको स्टेज पे बुलाया गया उसके स्कूल में, उसने कहा कि हाँ मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे तुमने अकेले ने किया, तुम्हें स्कूल क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, है कि नहीं, वो ऑटो वाला या बस वाला जिसने तुम्हें टाइम पे एग्जाम सेंटर में छोड़ा वो तुम्हारी माँ, ठीक है, जो टाइम टाइम पे तुम्हारा ख्याल रखे, तुमको खाना पीना सेहत के बारे में समझाया, तुम्हारे फादर जिन्होंने फीस भरा, जिन्होंने सारा खर्चा उठाया। तो इन द सेंस भले हम ये बोले कि हाँ हमने मेहनत किया, हमारे वजह से हुआ, बट हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और ये मेहनत जब मिलती है तब जाके कोई रिजल्ट आता है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर रहने से ही काम नहीं होगा या सिर्फ एम्प्लॉयज रहने से ही काम नहीं होगा, दोनों जब मिलके काम करेंगे, एम्प्लॉयर्स का अपना माइंड, जजमेंट, उनके प्लानिंग प्रोसेस और एम्प्लॉयज की हार्डवर्क, मेहनत, नॉलेज, जब ये दोनों इक्वली एक दूसरे को समझते हुए मिलेंगे तभी जाके वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। इसको कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब सहकार्य करना, सपोर्ट देना, नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ अकेले का ही फायदा हो, हाँ मेरा है, मैं ही फायदा उठाऊंगा, मैं दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये सोच गलत है। ये थिंकिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को, एक्चुअली एम्प्लॉयज में होता है या मैनेजमेंट में होता है, तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, डल हो जाता है, लो लेवल पे चले जाता है। इसलिए यहाँ पे फ्रेडरिक मिंशो टेलर ने क्या कहा, कोऑपरेशन, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलो, एक दूसरे की मदद करते हुए चलो। अब मदद इन द सेंस आपको इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि आप अपना सारा काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हो, नहीं, आपको सपोर्ट करना है। सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको उस कंपनी में 5 years 10 years हो गया है, कोई न्यू बंदा आया है, वो मशीन पे काम कर रहा है या डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या कोई भी काम कर रहा है, आप देख रहे हो बेचारा परेशान है, वो न्यू है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो एज एन सीनियर पर्सन आप उसको कोऑपरेट कर सकते हो, समझा सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो। बात करते हैं यूनियन की, यूनियन में क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सबके बारे में बात होती है, किसी एक के बारे में नहीं। तो यहां पे वही लिखा है नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर आप चाहते हो आपका मैनेजमेंट या बिजनेस अच्छे से चले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको देख के चलना है, सबको इन द सेंस आपको एम्प्लॉयज को भी देखना है, मैनेजमेंट को भी देखना है, सबको मिल के रहना है, सबको मिल के एक दूसरे का डिसीजन लेना है। कभी कभी कोई कोई डिसीजन वगैरह एम्प्लॉयज भी अच्छा दे देते हैं, आपको उनको एकदम से निग्लेक्ट नहीं कर देना है कि तुम रहने दो, तुम क्या मुझे समझाओगे, मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, ऐसे नहीं करना है। आपको उनकी भी डिसीजन को सुनना है, उनको भी साथ में लेके चलना है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको काम नहीं करना है। इंडिविजुअल लेवल पे काम करने से क्या होता है, आप किसी एक एम्प्लॉयज को अच्छा मान के चलोगे तो दूसरे एम्प्लॉयज बोलेंगे यार हम क्यों मेहनत करें, काम हम करते हैं, क्रेडिट उनको मिल जाता है, बोनस उनको मिल गया, पोजीशन उनकी बढ़ गई, पोस्ट उनका बढ़ गया, तो हम क्यों करें। इसीलिए आप सबको कोऑपरेट करते हुए
मिलके काम करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चलेगा। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट आ जाते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला डिवीजन ऑफ वर्क याद होगा, फर्स्ट पॉइंट हेनरी फेयोल का। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप ये देख लो कि कौन से एम्प्लॉयज को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उस एम्प्लॉयज को दे रहा हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयज उठा पाएगा कि नहीं, क्या वो मुझे एक अच्छा रिजल्ट देगा कि नहीं, क्या मेरे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं, ये सारी चीजों को देख के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और हर पर्सन पे आप ये देख लो, जैसे कि मैंने हेनरी फेयोल में ही कहा था कि हर पर्सन जो होता है वो सब काम नहीं कर सकता है, तो उसको कोई एक काम जिसमें उसको लोड भी ना फील हो, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे, ऐसे देखते हुए आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है और काम को बांट देना है। बांटे हुए काम से क्या होता है, सबको एक टारगेट मिल जाता है कि चलो मुझे इतना ही पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेक्चर्स होते हैं 40 मिनट्स के, 1 आवर्स के जो लेक्चर्स होते हैं, आपको मालूम है कि आज अगर मैं अपने क्लासेस में जा रहा हूँ तो मेरे पास 2 लेक्चर आज होंगे, मुझे एक इंग्लिश है और एक ओसी है, तो इंग्लिश के टाइम पे सर इंग्लिश की ही बात करेंगे, ओसी के टाइम पे मुझे सिर्फ ओसी ही पढ़ना है। तो काम को जब डिवाइड कर दिया जाता है तो वो काम समझ में भी आता है, टारगेटेड भी होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। डेवलपमेंट, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लोग या मैनेजर या ओनर। एम्प्लॉयज आप लोग जानते हो वर्किंग प्रोसेस जो कि जो मेन होता है जो कंपनी में प्रोडक्शन लेवल करता है, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी ना कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी संपत्ति, बोल सकते हो कि उसको संपत्तिवान बनाने के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। फ्रेडरिक विंशो टेलर ने हमें ये समझाया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों जन जब मिलते हैं, ठीक है, तभी कोई बिजनेस अच्छा बढ़ता है, मैनेजमेंट चलता है और उस बिजनेस का रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयर अपने बारे में ही सोच के बैठा रहे तो फिर वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में ही सोचे कि नहीं एम्प्लॉयज प्रॉब्लम में है, ये है वो है, तो सिर्फ खाली उनके बारे में सोचें तो भी नहीं चल पाएगा। तो करना क्या है, हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारा भी फायदा हो और जिससे एम्प्लॉयज का भी प्रोस्पेरिटी बढ़े, उनका भी लिविंग कंडीशन बढ़े, वो भी आगे की तरफ बढ़े और हमारा बिजनेस फर्म कंपनी भी आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पे फ्रेडरिक विंशो टेलर ने क्या बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रेटर एफिशिएंसी मिले, अच्छे से अच्छा काम करके मिले, तो आपको क्या करना है, दोनों के बारे में सोचना है। अब दोनों के बारे में एम्प्लॉयर को ये सोचना है कि भाई मैंने जो प्लानिंग दिया है, मैंने जो आइडियाज बताए हैं, मैंने जो डिसीजन लेने के लिए बोला है, वो एम्प्लॉयज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उससे एम्प्लॉयर का फायदा होगा, उसको प्रोडक्टिविटी उसके लेवल से मिलेगी, उसका टारगेट अचीव होगा और उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। एम्प्लॉयज को क्या करना है, एम्प्लॉयज को ये देखना है कि मुझे जो डिसीजन बताया गया है या मुझे जो वर्क बताया गया है वो कितने टाइम के हिसाब से है, क्या टाइम के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी टाइम पे मिल रही है, या जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसी सैलरी मुझे मिल रही है क्या, ये देख के एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के जरूरत को वॉन्ट्स को पूरा करता है तो साथ ही साथ एम्प्लॉयज भी अपने वर्किंग से अपने मेहनत से एम्प्लॉयर के वॉन्ट मतलब उनका जो डिसीजन था जो आइडियाज था जो प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें चाहिए थी वो पूरा करके लेते हैं, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। स्टूडेंट्स ये था फ्रेडरिक विंशो टेलर, ठीक है, इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हम लोग ने हेनरी फेयोल का मैनेजमेंट देखा था, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। फ्रेडरिक विंशो टेलर इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स होप यू विल अंडरस्टैंड जो भी मैंने कोशिश किया यहाँ पे समझाने का, ठीक है। एक बार फिर से मैं लास्ट रिकैप में बता दूं, हम लोग ने अभी आज आंसर किया
फैब्रिक विंशो टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। डेफिनेशन में हम लोग ने क्या देखा, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, मतलब मैनेजमेंट क्या चाहता है लोगों से और क्या लोग ठीक है उसको अच्छे से कर रहे हैं, उसको देखते रहना और उसको बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से करवाना। इसके जो छह प्रिंसिपल्स थे, लास्ट टाइम एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सोशल साइंस के लेवल पे जाना है सबको ठीक है, अब लोग अपना एक एक काम अच्छे से करें, एक एक काम को स्टडी करना है, किसी एक ही जजमेंट पे अपनी पूरी जिंदगी पूरा बिजनेस नहीं चलाना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हमेशा हमें हार्मनी और पीसफुल रह के एम्प्लॉयज से काम करवा के लेना है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके नहीं, डिस्कॉर्ड। मेंटल रिवोल्यूशन, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को समझना है, एम्प्लॉयज के कैपेबिलिटीज को समझना है और उसके हिसाब से उसको उसका वर्क देना है ठीक है। इक्वल इम्पोर्टेंस, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयज हो, सब लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमें ये चीज पे ध्यान देना है कि हमको एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए चलना है, हमें इंडिविजुअलिज्म अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच के चलना है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, आप जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको एक ही साथ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दे दो और उसको काम डिवाइड करके दो ताकि काम भी अच्छे से हो जाए और उस पर्सन को, उस एम्प्लॉयज को प्रेशर भी ना महसूस हो। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। कभी भी मैनेजमेंट को क्या काम करना है, लोगों से समझ के काम करना है, लोगों का डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयर का भी डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट हो, ऐसा काम करना है ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।